जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में, बहुत ही खास वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले सी टेट पेपर वन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम जानेंगे दोस्तों सी टेट पेपर वन का बेसिक, बिल्कुल बेसिक पॉइंट से लेकर लास्ट एग्जाम तक, जैसे कि सी टेट में टोटल कितने सब्जेक्ट से पेपर, सी टेट पेपर वन में टोटल कितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और उन सब्जेक्ट्स के सब टॉपिक्स क्या हैं, कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन भी देखेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहली जानकारी मैं आपको बता दूँ कि सी टेट पेपर वन की अगर हम बात करें तो टोटल आपके 5 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? पहला सब्जेक्ट है बच्चों CDP, यानी कि बाल विकास और मनोविज्ञान, या कह सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। CDP से दोस्तों 30 सवाल पूछे जाते हैं, 30 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट आता है वो है मैथ, गणित। इससे भी 30 सवाल पूछे जाएंगे और 30 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर मेरा सब्जेक्ट मैथ नहीं रहा, मेरे ग्रेजुएशन में मे बी बायोलॉजी हो या फिर कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, तो क्या मुझे भी मैथ देना पड़ेगा? बच्चों सी टेट पेपर वन में यह सब्जेक्ट सबके लिए कॉमन है, क्योंकि 1 से 5 तक के अध्यापक या अध्यापिका बनने के लिए बेसिक्स मैथ आपको आना चाहिए। इसलिए सी टेट पेपर वन में मैथ आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे आपका ग्रेजुएशन किसी भी ब्रांच से, स्ट्रीम से रहा हो, आपको मैथ के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो पहला हमारा CDP से 30 प्रश्न, दूसरा मैथ गणित से 30 प्रश्न, तीसरा दोस्तों इसी प्रकार से तीसरा सब्जेक्ट है EVS, इसको आप प्राइमरी शिक्षा कह लें, सोशल साइंस कह लें, सोशल स्टडीज़ कह लें, तो सोशल स्टडीज़ EVS से भी आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसको भी सबको सॉल्व करना है। चाहे आप मैथ से हो, एग्रीकल्चर से हो, बायो से हो, कॉमर्स से हो, किसी से भी हो, आपको इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों आपने देखा 3 टॉपिक, CDP, मैथ और EVS, 30-30 प्रश्न, यानी कि 90 नंबर के 90 प्रश्न आपको यहाँ से मिल गए। अब आइए, अब आपका होता है 2 लैंग्वेज पेपर। ठीक है, Language 1 and Language 2। अब Language 1 में जिस लैंग्वेज पे आपको सबसे अच्छी पकड़ हो, आप चाहे इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप Language 2 हिंदी लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं या संस्कृत लेते हैं, तो Language 2 से भी आपके 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप दोनों लैंग्वेज को हिंदी हिंदी या इंग्लिश इंग्लिश नहीं ले सकते, इंग्लिश के साथ हिंदी का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, और हिंदी के साथ इंग्लिश या संस्कृत दोनों का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आपकी पकड़ सबसे ज़्यादा अच्छी हो। तो टोटल आपके 5 सब्जेक्ट्स हो गए, 5 सब्जेक्ट से 30-30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन भी 150 ही होता है। ये हो गया दोस्तों कंप्लीट आपके सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, राइट। दोस्तों अभी तक किसी भी सी टेट में माइनस मार्क, नेगेटिव मार्किंग नहीं रही है, तो उम्मीद करते हैं कि इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये हो गई कंप्लीट सी टेट के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में। अब दोस्तों CDP के अंदर आपको क्या पढ़ना है और CDP में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको टोटल 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका मेरा पहला पॉइंट है कि चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। ठीक है, अब बाल विकास के अंदर कुछ बहुत, मतलब 4-5 ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास की अवधारणाएँ, इन संबंधित प्रश्न को पूछे जाते हैं। मैं पूरा चार्ट आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे अच्छा होगा कि हम क्वेश्चंस को देख लें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों CDP एक ऐसा टॉपिक है ना, CDP के ये बाल विकास का ऐसा टॉपिक है, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो, जैसे कि मे बी आपके सिस्टर का बेटा बेटी, या फिर भैया का लड़का या लड़की, या फिर छोटा कजन्स, तो आपको ना काफ़ी रिलेवेंट लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैं उस बचपने को पढ़ रहा हूँ। हमें पढ़ना ही वही है कि बच्चे का विकास कैसे होता है, इसके बारे में प्रश्न, बड़े मज़ेदार प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़े अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको कुछ प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2021 में जो CTET का पेपर हुआ था वहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन CTET 2021 में आया था। इस क्वेश्चन को पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन आपका क्या है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक बच्चे का विकास होता है, उसके बारे में कुछ कथन कहा गया है, तो कौन सा सही हो सकता है? विकास की दर सभी सांस्कृतिक के लिए एक समान होता है, क्या सभी सांस्कृतिक लोगों के लिए या फिर सभी बच्चों के लिए विकास का दर एक समान होता है, क्या सभी बच्चे एक दर से बढ़ते हैं? दूसरा विकल्प है, विकास केवल विद्यालयों में होता है, या फिर तीसरा, विकास केवल बाल्यावस्था में होता है, या विकास बहुआयामी है, मतलब कि डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों?
बिल्कुल इसी प्रकार से बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। कुछ अन्य टॉपिक की बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो कुछ मनोवैज्ञानिक रहे हैं, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जैसे थॉर्नडाइक हो गए, पावलोव हो गए, स्किनर हो गए, जीन पियाजे हो गए, कोहलरबर्ग हो गए, लेव वाइगोत्स्की हो गए, इनसे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। कम से कम मतलब लेव वाइगोत्स्की की बात करें या जीन पियाजे, तो इनसे दो दो सवाल तो हर साल पूछे गए हैं। वो भी देखेंगे जब हम पढ़ेंगे ना, तो बड़ा मजा आएगा और बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि पहले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है। इसके बाद हमें विकल्प दिया गया अमूर्त सोच का, तो मैं वो टॉपिक्स दिखा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम देखेंगे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसके ऊपर। जीन पियाजे से देखिए, ये पेपर 2021 का मैं दिखा रहा हूँ आपको, कि फिर से पूछा गया था कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो देखा इस तरह से, चाहे लेव वाइगोत्स्की से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है CDP में। ओके सॉरी, CDP के पहले पॉइंट चाइल्ड डेवलपमेंट में, बाल विकास में, ठीक है। अब हम बात करते हैं CDP का दूसरा पॉइंट। CDP का दूसरा पॉइंट है दोस्तों समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अब इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन को यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसा शिक्षा व्यवस्था जहाँ पे हर एक प्रकार के बच्चे, चाहे वो फिजिकली चैलेंज हो, मतलब मे बी उसके हाथ या पैर में कुछ प्रॉब्लम हो, और कोई नॉर्मल बच्चा हो, सब एक साथ पढ़ते हैं, तो इस प्रकार के शिक्षा को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इससे संबंधित आपसे कुछ आसान से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि इस प्रश्न को देखिए जो पिछली बार आपसे पूछा गया था कि एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए, जोर देना चाहिए। अब समावेशी कक्षा में किस पे जोर देंगे, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य मतलब गोल ओरिएंटेड पे आप देंगे, या अविभेदी समरूपी निर्देश, मतलब अविभेदी का मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अब मान लीजिए बच्चे अलग अलग हैं, तो एक प्रकार का आप उनको निर्देशन नहीं दे सकते। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों में अलगाव, या फिर हर एक बच्चों के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, तो क्या करेंगे, इसका क्या आंसर होगा। जब आप ऐसे क्वेश्चन से बात करेंगे कि वह क्लासरूम जहाँ पे बच्चे अलग अलग हैं, मतलब उनके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस है, तो उनको आप पढ़ाने के लिए किस बात पे जोर देंगे, आप एक ऐसा अवसर प्रदान करेंगे कि सारे बच्चों के जो पोटेंशियल है वो आगे बढ़े, वो इम्प्रूव हो और अच्छा हो। तो बिल्कुल इसी प्रकार से समावेशिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो CDP का पहला पॉइंट था आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा पॉइंट था आपका इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा, तीसरा पॉइंट आपका दोस्तों इसमें का अधिगम एवं अभिप्रेरणा मतलब लर्निंग एंड मोटिवेशन। इससे भी आसान से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे पूछे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब इस एग्जांपल को देखिए, इस प्रश्न में लिखा है एक बच्चों कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाई, एक बच्चे की अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है उसको आप कैसे कायम रख सकते हैं, कैसे सस्टेन रख सकते हैं। आपका ऑप्शन दिया है बच्चों को दंड देकर, तो दंड तो नहीं दे सकते ना। चलिए, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, या फिर बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप, जबकि बहुत आसान क्रियाकलाप नहीं दे सकते, यंत्रवत याद करने पर जोर, उसको रटा भी नहीं सकते, तो इसका सही विकल्प क्या होगा। इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, फोकसिंग ऑन द मास्टरी और ऑन रिगर्स। तो ये आपका आसान, तो इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों CDP के जो तीन पॉइंट्स हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन और लर्निंग एंड मोटिवेशन, ठीक है, अधिगम अभिप्रेरणा, बाल विकास और समावेशी शिक्षा, ये आपके तीन पॉइंट्स हैं। इसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसको जब हम इस पेपर को पढ़ेंगे तो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस CDP के सिलेबस में ये तीन पॉइंट से प्रश्न पूछे जाते हैं, और टोटल कितने बच्चों, टोटल आपके 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पेपर टू यानी कि सॉरी अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट टू यानी कि मैथ के बारे में, क्योंकि बच्चों को मैथ को लेकर बड़ा डर है। बिल्कुल डर नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, बहुत बेसिक से सवाल आपसे पूछे जाएंगे और अच्छे सवाल पूछे जाएंगे। तो मैथ में दोस्तों आपका पूरा मैथ दो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। कौन कौन सा, पहला तो मैथ्स के प्रॉब्लम, मतलब मैथ्स में आपको कुछ प्रॉब्लम दिया जाएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स दिया जाएगा, आपको उसको सॉल्व करना है। दूसरा आपको मैथ पैडागोजी से मतलब शिक्षण विधि जो होती है मैथ्स की, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैथ के प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, तो मैथ के प्रॉब्लम कैसे दिए जाते हैं, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो सारे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना, वो 2021 में पूछा गया है। सोचिए आप बैठते तो कितने आसानी से पेपर को करते, और हम करेंगे ना, अभी हमारे पास टाइम है, तो हम मेहनत करेंगे और हम सारे प्रश्नों को करेंगे। तो CTET के पेपर 1 के मैथ्स में जो प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 2021 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, मैथ में आपसे पूछा गया था कि यहाँ पे पूछा गया था कि विद्यालय की एक सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्ति में खड़े हैं,
दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित है। मतलब एक रूही लड़की है जो एक लाइन में खड़ी है, तो उस रूही को चाहे आप इधर से गिने वो 19वां स्थान आता है, उधर से भी गिने तो 19वां स्थान आता है। तो इस टोटल कितने बच्चे खड़े थे उस लाइन में, ठीक है। अब 19वां स्थान रूही का है दोनों साइड से, इसका मतलब एक तरफ भी 18 बच्चे हैं, दूसरी तरफ भी 18 बच्चे हैं, तो टोटल लाइन में कितने बच्चे होंगे, 18 और 18 36 और एक खुद रूही 37 37। रूही का 19वां स्थान है, ठीक है, रूही से एक तरफ भी 18 बच्चे, रूही से इस तरफ भी 18 बच्चे, तभी तो दोनों तरफ से रूही का 19वां स्थान है। तो टोटल कितने बच्चे होंगे, 18 इधर 18 इधर 36 और एक रूही 37। कितना आसान सा सवाल था। उसका अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया था, बड़ा अच्छा प्रश्न था। देखिए इस प्रश्न को देखिए, इसमें पूछा था एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, तो 100 का आधा कितना होता है 50, तो कोई संख्या है जो 50 से अधिक है। आगे लिखा है कि यह 6 दहाई से अधिक है, 6 दहाई का मतलब 60, ठीक है, 6 दहाई से अधिक है और 8 दहाई से कम है, मतलब 80 से कम है, यानी कि वो संख्या जो है 60 से ज़्यादा है और 80 से कम है, ठीक है। अब आइए, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई अंक इकाई के अंक का दुगुना है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न। अब आइए विकल्प में आप देखेंगे तो 60 से ज़्यादा और 80 से कम, सबसे पहले तो ये दो विकल्प ऐसे ही कट जाएंगे 54 और 81, क्योंकि 60 से ज़्यादा और 80 से कम चाहिए हमें, तो हमारे पास विकल्प बच गए विकल्प नंबर एक और विकल्प नंबर दो। अब इसमें कह रहा है कि दोनों का सम 9 होना चाहिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 9 होगा। अब कह रहा है कि दहाई का अंक इकाई का दुगुना है, तो इसमें कौन सा दुगुना है, 6 3 का दुगुना है, विकल्प नंबर दो। कितना आसान सा सवाल है। तो बच्चों मैथ्स के प्रॉब्लम इस तरह से पूछे जाते हैं। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें कि मैथ पैडागोजी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब इस क्वेश्चन को देखिए कि इसमें पूछा क्या गया था। इसमें पूछा गया था कि गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन दिया था कि गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिससे संवाद सम्मिलित है, ठीक है। दूसरा था कि गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं, तो ये पहले ही गलत हो जाता है कि कल्चर एंड द कॉन्टेक्स्ट हैज़ नो रोल इन द कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल नॉलेज। तो क्या गणितीय ज्ञान में संरचना और संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है, बिल्कुल भूमिका है बच्चों, तो यहीं पे यह विकल्प गलत हो गया। तो इसी प्रकार से बच्चों आपसे गणित के पढ़ाने के विषय में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको हम देखेंगे वन बाई वन, जब हम सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस इतना समझ जाइए कि मैथ में बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो बहुत डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आप अपनी सोच समझ से भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने CDP को देखा, मैथ को देखा, अगर हम बात कर लेते हैं, अब बात करें तो थोड़ा सा लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज में आपको पता है, लैंग्वेज चाहे पेपर वन हो या पेपर टू हो, इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। पेपर वन की अगर हम बात करें, लैंग्वेज वन की बात करें, तो 15 नंबर बच्चों 15 नंबर का कैसे प्रश्न पूछता है, आपको एक पैराग्राफ दे देगा, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो एक प्रोज और दूसरी पोएट्री, पैराग्राफ दे देगा और उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका आंसर उस पैराग्राफ में ही होगा, ठीक है, लैंग्वेज वन की बात करें। और लैंग्वेज टू में अगर आपका हिंदी है तो बिल्कुल एक हिंदी में गद्यांश दे देगा, उस गद्यांश से 9 प्रश्न आपसे पूछेगा। अगला एक आपको कविता दे दी जाएगी, पद्यांश दे दी जाएगी, उससे आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल पैराग्राफ से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगला 15 क्वेश्चन उसमें थोड़े से ग्रामर रहेंगे और थोड़ा सा पैडागोजी रहेगा, मतलब इंग्लिश शिक्षण विधि, हिंदी शिक्षण विधि, ये सारे क्वेश्चन सम्मिलित होते हैं। तो लैंग्वेज में भी यही होता है, 15 नंबर कैसे पूछा जाता है, आपके पैराग्राफ से पूछे जाते हैं, और बाकी के 15 नंबर बच्चों आपके ग्रामर और आपके उस टीचिंग स्किल से पूछा जाता है, चाहे वो हिंदी की बात करें या इंग्लिश की। मैं आपको पिछले साल का कुछ क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन पेपर को देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे पेपर वन की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वन की, लैंग्वेज वन की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज वन आपका इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में बच्चों ऊपर आपके यहाँ पे आपके कुछ यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, और इस पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है नीचे। जैसे ऊपर लिखा है कि 91 से 99 क्वेश्चन, फ्रॉम 91 to 99, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको इसी पैराग्राफ से रिलेटेड मिलेंगे, और इसी पैराग्राफ से अंदर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन मिल गया, उसके बिल्कुल नीचे आएंगे 100 नंबर, तो यहाँ पे आपको एक पोएट्री दी गई है, पोयम दिया गया, ठीक है। अब इस पोयम से रिलेटेड आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 15 नंबर आपके ऐसे ही होंगे, बिल्कुल इसी ग्राफ से पूछा जाएगा। तो हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन करके, मतलब पिछले 10 साल के जितने भी पैराग्राफ पूछे हैं ना, सबको हम डिस्कस कर डालेंगे,
ठीक है, तो ये हो गई इसकी बात इंग्लिश की। अगर हम हिंदी की बात करें तो बिल्कुल वैसे ही आप देखेंगे, तो हिंदी अगर किसी का पेपर वन है तो हिंदी में एक गद्यांश दिया गया है, ठीक है, और उससे संबंधित आपके 9 प्रश्न दिए गए हैं, आपको ये हल करना है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको एक कविता यहाँ पे दी गई होगी, ठीक है, एक पोयम दिया गया होगा। इस पोयम के आधार पर, एक कविता पदांश के आधार पर आपसे 6 प्रश्न पूछे गए जो कि इसी से मिलते जुलते हैं, इसी में इसका आंसर होगा, आपको वहाँ से लिखना है। तो ये हो गई बात लैंग्वेज की। अब बच्चों बच गया हमारा क्या, ईवीएस। तो लैंग्वेज समझ में आ गया, 15 नंबर पैराग्राफ में से, कॉम्प्रहेंसन में से, और 15 नंबर आपके ग्रामर की बात करें, ग्रामर पूछा जाएगा या पैडागॉजी पूछा जाएगा, उससे मिला के पूछा जाता है। ईवीएस की बात कर लें बच्चों, ईवीएस में कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ईवीएस की बात करें तो पूरा ईवीएस 2 पॉइंट्स में डिवाइड होता है। ईवीएस से 2 पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट से रिलेटेड, और दूसरा क्या है दोस्तों कि ईवीएस टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो पहला हमारा सब्जेक्ट्स के जो रिलेटेड है, जिसको हम विषय वस्तु कह सकते हैं, कि आपके ईवीएस से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें कौन कौन से हैं, आइए उसके कुछ ऐसे हम टॉपिक्स देखते हैं। तो विषय वस्तु की अगर हम बात करें तो पहला परिवार और मित्र, फ्रेंड्स और फैमिली। अब इसमें क्या पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए परिवार जो होता है वो परिवार किसी बालक के लिए कौन सा कारक है, प्राथमिक कारक है या द्वितीय कारक, इस प्रकार से पूछा जाता है कि परिवार जैसे किसी बच्चे के ऊपर क्या उसके आनुवांशिक का प्रभाव पड़ता है। तो परिवार और मित्र इससे संबंधित, जैसे खान पान, कार्य कौशल, खेल, भोजन, रहने वाला, भ्रमण, या फिर वो बच्चे जो परिवार के आसपास की क्रियाएं होती हैं उससे सवाल पूछा जाता है। आपके समाज से सवाल पूछा जाएगा कि बच्चे के ऊपर संस्कृति का क्या विकास पड़ता है, समाज कितना उसको सिखाने के लिए फायदेमंद होता है। तो पहला आपका दोस्तों पर्यावरण से, आपके पर्यावरण से आपके विषय वस्तु से सवाल पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छा होगा, आसान होगा। दूसरा हमारा क्या है दोस्तों, दूसरा हमारा है कि अध्यापन संबंधित, मतलब पर्यावरण पढ़ाने में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो अध्यापन संबंधित मुद्दे, इसके ये सारे टॉपिक्स हैं, इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ईवीएस की बात करें तो 2 टॉपिक आपके ईवीएस सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि परिवार कितना फायदेमंद होता है, ये सारी चीज़ें। और दूसरा हमारा था कि ईवीएस पढ़ाने में हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना। दोस्तों टोटल 2 पॉइंट्स हैं जिससे ईवीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अंदर भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो मैं सारे आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों अब हम एक काम करेंगे, पता है क्या, डेली एक दिन, जैसे एग्जांपल एक दिन हम क्या करेंगे, इंग्लिश के पैराग्राफ को देखेंगे, मतलब डेली देखेंगे, डेली एक इंग्लिश का पैराग्राफ देखेंगे कि 2021 में कौन सा पैराग्राफ पूछा गया था, उससे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। फिर अगले दिन 2018 के देखेंगे, फिर अगले दिन 2017 के देखेंगे, तो पिछले 10 सालों के हम इंग्लिश के पैराग्राफ को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इंग्लिश वाला धीरे से मार क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से डेली हम क्या करेंगे, मैथ्स के 30 प्रश्न को देखेंगे कि 2019 में मैथ्स के वो 30 प्रश्न कौन से पूछे गए थे। फिर हम क्या करेंगे, हम उसके अलावा हम CDP के क्वेश्चन देखेंगे कि CDP में कैसे 30 प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों मेरा सिंपल सा मतलब, मैं ये मेरी ख्वाहिश है ना कि हर एक बच्चा पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दे, 10 नहीं तो कम से कम 4, 5, 6 साल का तो सॉल्व कर ही दे, 2017 से लेके अब तक के सारे आप सॉल्व कर दीजिए। यकीन मानिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको इतना कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, और आप दूसरी आप डेली प्रैक्टिस में रहेंगे क्वेश्चंस देखने और सॉल्व करने, आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी और मज़ा आ जाएगा आपको पेपर देने में। इसीलिए अगर आप कहीं और CTET का पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़िए, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा कि आप बिल्कुल, आप CTET के क्लासेस ले रहे हैं बिल्कुल लीजिए, लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक मतलब एक ना एक सीक्वेंस वाइज हम सॉल्व करेंगे, हम चीज़ों को समझेंगे। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, मैं डेली कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें कभी CDP के, कभी EVS के, कभी मैथ्स के, कभी इंग्लिश के पैराग्राफ के, कभी हिंदी के पैराग्राफ के, इस तरह से हम सारे पैराग्राफ जो पिछले साल पूछे गए उसको हम डिस्कस करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम ऐसे ही डिस्कस करने वाले, फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक बार मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि सिलेबस आपको कुछ समझ में आया होगा, कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी, फ़ायदेमंद रहा होगा ये वीडियो। अगर हाँ तो आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं लाइक बटन दबा के, चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं पहली बार CTET में मेहनत कर रहा हूँ, मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मुझे इसके लिए आपका सहयोग बहुत चाहिए। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, अपने कॉलेज ग्रुप में, जो भी आपका ग्रुप हो, स्टडी ग्रुप हो ना, स्टडी मटेरियल ही मिलेगा मेरे चैनल पे, आप बेफिक्र होकर शेयर कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपने दोस्तों को इस चैनल के साथ जोड़ दें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, कमेंट में आप अपनी राय हमें ज़रूर दें कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, सिलेबस समझने में कुछ आसानी हुई, क्या आप आगे की तैयारी इस आधार पर कर सकते हैं, तो भी हाँ कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर दें दोस्तों इस वीडियो के बारे में। बाकी ऐसे ही हम आगे और डिस्कस करेंगे, प्रीवियस इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को ये ख़त्म करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत दोस्तों।